हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS एकेडमी। दिस इज मी कुसुम मैम एंड आज हम करने जा रहे हैं फिर से MCQs ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, पॉलिटी MCQs। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स हैं नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद प्रेयर परमिशन ऑफ द, जब हम मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में हमें पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड कैबिनेट। सो द चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, टेक पार्ट इन एक्टिवली इन दिस सेशन। सो यस, राइट ऑप्शन इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट वी इंट्रोड्यूस मनी बिल। हम मनी बिल प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में। सो द राइट ऑप्शन इज प्रेजिडेंट, ऑप्शन वन, एंड एक्सप्लेनेशन इज हेयर। ठीक है, आधार एक्ट जो था 2016 का, आधार जो उसकी बिल थी उसको एज अ मनी बिल जो है हमने इंट्रोड्यूस किया और उसको सर्टिफाई करता है स्पीकर मनी बिल को, तो उस आधार बिल को एज एन मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। What is quorum required for convening the Lok Sabha? Lok Sabha का जो business चलाने के लिए कौन सा quorum चाहिए हमें? Quorum होता है minimum number of members जो एक session में होने चाहिए, तब जाके हम meeting start कर सकते हैं, including the presiding officer। तो quorum जो होता है Lok Sabha का, दोनों houses का, जो Lok Sabha का यहाँ पर पूछा गया है quorum कितना होना चाहिए? 1/6 of the members, 1/8, 1/10 and 1/5। So the right option is, you just write the answer, शाबाश। राइट ऑप्शन इज 1/10। 1/10 होता है कोरम, अगर 500 मेंबर्स है तो उसका 10th, 50 मेंबर्स होनी चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए 25 मेंबर्स। ठीक है, तो 1/10 इज द कोरम। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, हु इज़ ही? अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बोलेंगे ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब वो तो इक्वल्स है लेकिन पहला है इक्वल्स में, वो कौन सा है, ये किसको रेफर करता है ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस। तो इन चारों में से किसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स? तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है इसकी आप वो भी बता सकते हैं। यस, इट इज़ द, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम फर्स्ट अमंग इक्वल्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट होता है और कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कैबिनेट मेंबर्स, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर। इवन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है बहुत पावरफुल होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? सो हियर इज द आंसर, प्राइम मिनिस्टर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको कौन अपॉइंट, कौन करता है उसको अपॉइंट? डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, कौन करता है इसको अपॉइंट? आप लिख सकते हैं अगर आपको पता होगा, एंड द राइट आंसर इज स्पीकर। ठीक है, स्पीकर करता है उसको अपॉइंट। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी? प्रेजिडेंट ने कितनी टाइम इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है आज तक? ठीक है, ऑप्शंस आर वंस, नेवर, थ्राइस एंड ट्वाइस। कितनी बार इन्होंने, प्रेजिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की है इंडिया में? सो द राइट आंसर इज, राइट योर ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन। येस, शाबाश, नेवर, इट हैज़ नेवर बीन यूज। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी लगी नहीं है इंडिया में। सो द एक्सप्लेनेशन इज हियर। और आर्टिकल 360 डील करता है इमरजेंसी के साथ, और तीन तरह की इमरजेंसी होती है, एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, होता है प्रेजिडेंट्स रूल, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन तरह की इमरजेंसी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, और आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। ठीक है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पंचायत इलेक्शन करने का डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, इलेक्शन कमीशन।
तो जो पंचायत है नो डाउट वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए, पंचायत 73 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से ऐड किए गए, तो उनके इलेक्शन के बारे में कौन हमें बताएगा? क्योंकि देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलने से क्या होगा, कुछ चीज़ें मैंडेटरी हो गई स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और कुछ चीज़ें वॉलेंट्री रह गई। तो यस द राइट ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि हमें पंचायत इलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनको करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इनको जो है जब एक पंचायत की टर्म खत्म होती है विद इन 6 मंथ्स फिर नया ये करना है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन SEI, तो वही कंडक्ट करता है पंचायत के इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है पंचायत के इलेक्शन, ठीक है यहाँ तक? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ही हर स्टेट में अपने अपने पंचायत इलेक्शन करवाता है, ठीक है बच्चा लोग? तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है फिर इसका डेट। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को कब इंक्लूड किया गया था? क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी इनको इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन आर 1974, 1975 एंड 1976 एंड 1977। कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था? यस ऑप्शन इज नाइन आंसर इज 1976, क्योंकि इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था और फिर जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। वट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें मेन डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, पोलिटिकल प्रोटेक्शन, जुडिशल प्रोटेक्शन एंड मॉरल प्रोटेक्शन, क्या है इनमें मेन डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में? आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3rd में आ जाती हैं, DPSPs पार्ट 4 में आ जाती हैं। सो दो इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है इन दो में? यस इट इज़ जुडिशल प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, और अगर आपका DPSP वायलेट होता है आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो जुडिशल प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को क्योंकि वो एनफोर्सेबल है। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मैंशनड इन किस लिस्ट में मैंशन किया गया है पंचायती राज? ऑप्शन आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड नन ऑफ द अबो। तो इन लिस्ट में से किन लिस्ट में रखा गया है पंचायती राज? तो ये रखा गया है ऑब्वियसली किस में? स्टेट लिस्ट में। शाबाश। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ड्रॉफ्टेड बाई, पहला 5 ईयर प्लान जो है इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती थी इंडिया में, पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951 से लेके 1956 तक आया, ये इसको किसने ड्राफ्ट किया था? ऑप्शन आर PC महलानोबिस, के एन राज, JC कुमारप्पा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको किया था के एन राज ने, क्योंकि उसके बाद दूसरा फिर जवाहरलाल नेहरू उसने किया था। तो ककड़न नंदनाथ रे उसका पूरा नाम है, के एन राज, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट था एक, और इसको पॉपुलरली के एन राज नाम से मशहूर था। तो पहला जो ये है 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 1956 तक, वो इसी ने ये किया था, ड्राफ्ट किया था। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड फॉर द पोस्ट कॉल्ड कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, किस एक्ट के द्वारा आया था? 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, 1947 एक्ट। तो किस एक्ट के द्वारा ये आया था? तो ये आया था 1935 के एक्ट में। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गो टू पोल्स अंडर द डिलिमिटेशन, ठीक है, पहली स्टेट कौन सी है जिसपे इलेक्शंस हुए फिर डिलिमिटेशन के बाद, अंडर डिलिमिटेशन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। सो द राइट आंसर इज कर्नाटका। आपको पता है डिलिमिटेशन का मतलब होता है लिमिट करना जो है इलेक्शन बाउंड्रीज का। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला किस कमिटी ने रिकमेंड किया? ऑप्शन आर राज कमेटी, कोठारी कमेटी, राजमनार कमेटी एंड दत्त कमेटी। सो किस कमेटी ने 3 लैंग्वेज फार्मूला का रिकमेंडेशन किया? सो द राइट आंसर इज कोठारी कमेटी।
नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन था, ये कोठारी कमीशन, तो इसी ने बताया थ्री लैंग्वेज फार्मूला सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उस टाइम पे इसने बोला था ये। अब हमारी नेशनल एजुकेशन, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020। विच स्टेट एन्जॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, पहली लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया की में कौन सी बनी? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। सो ये बनी, आपको सबको पता होगा कौन बनी, ये आंध्र प्रदेश बनी थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 1953 में, लिंग्विस्टिक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया इज, इंडिया में कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं? 5, 7, 9 और 6। देखो पहले 7 थी, है कि नहीं, अब फिर जम्मू एंड कश्मीर को बांटा गया जो कि, और लद्दाख में, और 2 ऐड हो गई, कितनी हो गई? 9। लेकिन दमन एंड दू एंड दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया एक में ही, तो 8 हो गई, ठीक है। तो इस टाइम 8 है, ये ऑप्शन में से इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद फिर दमन एंड दू और दादरा नगर हवेली को मर्ज किया गया। और जो मशहूर जो यूनियन टेरेटरीज है वो है दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है, और लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़ है, और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड दमन एंड दू दादरा नगर हवेली भी है। इनमें से जो है, इनमें से यूनियन टेरेटरी कौन नहीं है इन चारों में से? ऑप्शन देखे हैं, पुडुचेरी, नागालैंड, दमन एंड दू एंड लक्षद्वीप। शाबाश, आप मुझे बताओ इन चारों में से यूनियन टेरेटरी कौन सी नहीं है, कौन सी इसमें से स्टेट है? यस, शाबाश, यस, नागालैंड इज अ स्टेट, नागालैंड यूनियन टेरेटरी नहीं है, बाकी पुडुचेरी, दमन एंड दू एंड लक्षद्वीप इज, दे आर दिस यूनियन टेरेटरीज। समझ आ गई बात? द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज, जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या होता है? लॉ फॉर्मेशन, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ एजुकेशन एंड लॉ एप्लीकेशन। तो इसका फॉर्मूला, इसका फंक्शन क्या होता है? लॉ फॉर्मेशन किसका फंक्शन होता है? बेसिकली पार्लियामेंट का। लॉ एग्जीक्यूशन होता है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन, ठीक है, फिर उसी जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसको एग्जीक्यूट करना। लॉ एजुकेशन होता है जुडिशरी का, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जो एक्शंस लेता है पार्लियामेंट या जो है एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, कोई ऑर्डर निकालता है, कोई नोटिफिकेशन निकालती है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो लॉ एजुकेशन इज द जुडिशन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज द, राइट टू वोट या आपको इलेक्ट हक है, किसी को भी आप इलेक्ट कर सकते हो वोट डाल के, वो इंडिया में कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। तो यस, फंडामेंटल राइट्स में तो राइट टू वोट नहीं आता है, ठीक है। ऑब्वियसली नेचुरल राइट भी नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ऑब्वियसली ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि बोला जाता है कि जो एनसीईआरटी है उसमें भी लिखा गया है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 326 में, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ना वोट के, राइट टू वोट के बारे में, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं है क्योंकि जो है फंडामेंटल राइट्स को में हमारे पता है आपको कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, वही सारे कुछ फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है। थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज द नागर पालिका बिल पासड, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको पास किया गया? 70th, 72nd, 73rd and 74th, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको पास किया गया? सो इट वॉज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नागर पालिका मतलब म्यूनसिपलिटीज, ठीक है। और 73rd से क्या आया था? पंचायत आया था। और 74th जो कमीशन एक्ट है वो 12th शेड्यूल में रखा गया है। यहाँ तक समझ आ गई? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गेव प्रेसिडेंस टू डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने तरजीह दी, इंपॉर्टेंस दी डीपीएसपीज को किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ऑप्शन आर 42nd, 44th, 52nd and 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने दी 42nd?
Which article of Indian Constitution provides equal opportunities for all citizens in the public employment? Public employment के साथ आपको पता है fundamental rights में कौन सा article deal करता है? Article options are Article 22, 16, 20 and 25. So it is our option 16. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? Under which article of the Constitution can an individual move to Supreme Court directly in case of any violation of fundamental rights? बताओ, कौन सा article है? Article 32, 28, 29, 31. So the yes, the right answer is 32. Constitutional remedies, right to constitutional remedies. Heart and soul of Constitution. ये article है. Fundamental rights में आता है, part 3 में आता है. Which article of the Indian Constitution directs the state government to organize village panchayats? कौन सा ऐसा article है? Options are Article 32, 37, 40, 51. So yes, इसको हम गांधी एंड DPSP भी बोलते हैं. Article 40 बोलता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए. और जब 73rd Constitutional Amendment Act आया, उसको हम बोलते हैं कि उसने शेप दिया Article 40 को. ठीक है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी इज द डेफिनेट फीचर ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम. इज पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन आर UK, कैनेडा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये पाई जाती है UK में, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी. क्यों? हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है. क्यों? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, वहाँ का पार्लियामेंट सुप्रीम है. क्योंकि वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है. लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? तो आई थिंक ये सफिशिएंट है आज के लिए. कल हम फिर से करेंगे और क्वेश्चंस. आई होप आपको इससे रिवाइज होता होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आता होगा क्वेश्चन सॉल्व करके. आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.